Hey guys, welcome to our YouTube channel. आज हम बात करेंगे मोबाइल रिचार्ज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मार्केट के अंदर जियो, एयरटेल, वीआई जो है इतना प्राइस हाई कर दिया है, लोगों का जेब बहुत ज्यादा ढीला हो रहा है। लेकिन इसी बीच के अंदर BSNL और टाटा मिलके जो यहाँ पर बहुत अच्छा प्लान ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर BSNL जो है 4G ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों हम BSNL के रिचार्ज के बारे में बात कर, 107 रुपए में 35 डेज का वैलिडिटी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो गांव देहात में रहते हैं, जिसको डाटा का कोई जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ कॉलिंग करना है। उनके लिए जो BSNL हो गया ये यहाँ पर वरदान स्वरूप होने वाला है। और बात करें यहाँ पर जियो, एयरटेल एंड वीआई के, ये सिर्फ लोगों को डाटा बेस रहे ना कॉलिंग बेस रहे। अगर इसके इस कंपटीशन के अंदर BSNL के साथ अगर यहाँ पर हमारा अदर टेलीकॉम ऑपरेटर अगर कम्पीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जियो को जो है लॉन्च करना पड़ेगा कुछ ऐसा प्लान जिसके अंदर डाटा बहुत ही कम मिले लेकिन कॉलिंग एंड वैलिडिटी सबसे ज्यादा मिले। हमारे गांव के अंदर हम बात करें तो 50% लोगों के पास स्मार्टफोन है, उनके अंदर 30% लोग जो है डाटा यूज करते हैं। ज्यादा लोग जो आजकल डाटा यूज नहीं करते। अगर हम बात करें यहाँ पर जो थोड़ा उम्र ज्यादा हो गए, उन लोगों को डाटा यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। और बात करते हैं हम नेटवर्क की, तो मेरे गांव में अच्छी तरह से नेटवर्क मिलता ही नहीं है, जिसके चक्कर में लोग जो है ब्राउजिंग नहीं कर पाते, कोई भी यूट्यूब का वीडियो नहीं देख पाते। जो थोड़ा उम्र का लोग है, समझो कि इंडिया के अंदर कितना सारा लोग मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है 50 ईयर्स के ऊपर भी बहुत सारे ऐसा लोग है जिसको सिर्फ कॉलिंग के लिए मोबाइल चाहिए, ना किसी को वीडियो देखना है, ना किसी को रील्स देखना है, ना किसी के मतलब फोटो देखना है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ना किसी को देहाती मसानी है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोग है जिसको इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ जो यहाँ पर कॉलिंग के लिए चाहिए। तो इसके लिए BSNL ऐसा प्लान बहुत सारा है, 107 रुपए में 35 डेज का सिर्फ कॉलिंग 200 मिनट का मिल जाता है, काफी अच्छा प्लान होने वाला है। ऐसा तो नहीं है पहले के जमाने पे जो है रिचार्ज करने के बाद अपने गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए टॉप अप करना पड़ता था, आजकल तो वो जमाना है नहीं। देखो मेरे एग्जांपल पे दूं तो मेरे घर में जो है यहाँ पर BSNL का ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, जिसके लिए मेरे को 735 रुपीज जो है पर मंथ मुझे पे करना पड़ता है। इसके बदले में मुझे 100 Mbps का स्पीड मिलता है। और मेरे घर में तकरीबन और 4-5 और भी सिम कार्ड है, मतलब मेरे वाइफ का हो गया, मेरे मम्मी का हो गया, मेरे पापा का हो गया, मेरा छोटा भाई का हो गया। तो ऐसा देखो कितना सारा, और मेरा ही 3-4 मोबाइल फोन है, 3-4 सिम कार्ड है। तो सोचो इन सब में अगर मैं सब में अगर ऐसा रिसर्च करता हूँ जिसके अंदर जो है सिर्फ डाटा के लिए मेरे को कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ ऐसा प्लान चाहिए जिसके अंदर मुझे वैलिडिटी मिले और कॉलिंग का सर्विस मिले। तो वैसे भी तो जेब हमारा ढीले होने वाला है, देखते हैं आगे कि BSNL और टाटा मिलके जो हमारा कितना मदद कर सकता है। और मैं ट्राई को ऐसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसा प्लान निकाला जाए जिसके अंदर सिर्फ वैलिडिटी हो और कॉलिंग हो, ना डाटा मिले। और मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, आप अगर एक मतलब टाउन पे रहे तो आप अगर रिसर्च करके बहुत ज्यादा पैसा बचाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक मैं एप्लीकेशन का लिंक रखा हूँ बिल हब बोल के, जिसके अंदर एयरटेल रिचार्ज करने के साथ साथ 7% का इंस्टेंट कैशबैक मिलने वाला है। अगर आप जियो रिचार्ज करना चाहते हैं तो 4.2% का इंस्टेंट रिचार्ज का मतलब इंस्टेंट कैशबैक मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके अभी इंस्टॉल कर लीजिए और यूज कीजिए। आप अगर उसे आपको रेफर भी करते तो वहां पर भी जो है आपको जो एक रेफर का 15 रुपए मिलने वाला है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके अभी डाउनलोड कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।